दिल्ली गुड़गांव वालों को ना स्पेशल बोट खरीद के रखनी चाहिए। सड़कों में पानी जमा हुआ है और हम एक रील बनाने जा रहे हैं। डरो मत आप लोग, ये प्रीति ही है, कोई अपने मार्केट का मुआवजा भी तो करते हैं। मुआवजा नहीं, मुआयना होता है। मॉर्निंग है, सत श्री अकाल है, नमस्ते, सलाम, और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और आज भी मौसम फुल फ्लेज बारिश वाला है और बहुत ही खूबसूरत सा प्लेजेंट हुआ है, और हल्की हल्की जो है ना ठंड भी हो गई है, और दिल्ली में भी मतलब, और अभी हम लोगों ने भी घर पे एसी बंद किए हुए हैं, मस्त एसी बंद करके बैठे हैं, तो मौसम बहुत प्लेजेंट फील हो रहा है। और प्रनूर गई हुई है कल रात से नानी के घर पे रहने, और कीरत भाई साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, उठ के चले गए, कह रहे पापा आप बहुत शोर मचा रहे हो, तो सीधा डैडी के रूम में चला गया है, और डैडी के रूम में जाके अपना यूट्यूब चैनल लगा के बैठ गया, पता नहीं क्या देख रहा है। और प्रीति लगी हुई है कुछ काम वाम करने पे, दिखा रही है कि मैं आज कुछ काम कर रही हूँ। तो दिखाया नहीं कैमरा, लेके खुद ही आए हो। क्या क्या कर रही है तू? अचार डाला है। किसका? अपना? हाँ, मिर्च का। मिर्च का, ये मिर्च का अचार डालेगी खुद, मिर्ची की तरह जो है। आई नहीं मतलब कड़वी आए कर रही है, कड़वी होती है, तीखी हो या कड़वी हो, करेला होता है, इतना तो पता है, बचपन में भी बता देते। हम करेले खाते ही नहीं, हमारी मम्मी ने हमें करेला खिलाया ही नहीं कभी, हम सीधा शुरू ही पैदा ही चिकन खाते हुए हैं। और ये देखो, ये भाई साहब डैडी के रूम में मस्त लेटे हैं और अपना काम कर रहे हैं। दोपहर के लंच का क्या प्रोग्राम है? क्या बना रहे? अचार लंच में अचार खिलाएगी? तो मैं सोच रहा हूँ, मैं रेडी तो हो ही चुका हूँ, मतलब आज नॉर्मल है, छुट्टी वाला दिन है, खाना नहीं बना दूं, मैं सोच रहा हूँ कहीं बाहर चला जाऊं, वहीं जाके खाना वाना खाऊं। बाहर ऐसे ऐसे तराकी करते जाओगे तो क्यों, क्या हो गया सर? ये भी एंजॉय करना चाहिए, मैंने बोट ऑर्डर कर दी है, बोट आ रही है ना। अच्छा, अब दिल्ली गुड़गांव वालों को ना अब स्पेशल बोट खरीद के रखनी चाहिए, कभी ऐसा मौसम हो जनरेटर से स्टार्ट करी बोट और निकल गए मस्त घूम फिर। तो अंकित को वो रेस्टोरेंट से आ जाएगा, लेकिन अंकित स्कूटर पे चप्पू लगा लिया, अंकित ने वो चप्पू लगाता हुआ चलता है, आगे हैंडल पकड़ते पीछे प्रिया चप्पू मारते हुए जाती है ना। तो अभी शैंकी भी आने वाला है, वो कहीं काम गया है, फिर उसके साथ कुछ प्रोग्राम है, वहां जाना है। तो कह रहा था जीजू बस पूछने वाला हूँ, बारिश में कहीं फंसा हुआ हूँ, तो जैसे ही आता है फिर अपन लोग निकलेंगे, शायद कहीं काम उसके साथ, तो वो चीजें आपको उसके ब्लॉग में पता लगेगी, पर मजा आने वाला है। सारे कपड़े सारे गीले हैं। हाँ क्या, ये तो सारे सूखे, हम पागल ही उतार रहे हैं, बस इसको ये होगा ना अगर मैं क्या दूंगा कि सूखे हुए नहीं उतरवा के तैयार करवा लेते। सीमा लगी तय कर रहे हैं, एक बारिश आ जाए पूरे घर को धोबी घाट बना देती है। ये सब घर तू रोज रोज कपड़े धोया कर ना, ये सब तुम्हारे रोज के कपड़े होते हैं, ये रोज क्या इतने कपड़े खराब करते हैं। पगड़ी भी तो देखो ना, तीन तीन जनों की होती है रोज की, तुम लोग पगड़ी रिपीट करते हो अपनी? पगड़ी रिपीट थी ना होती, पगड़ी एक बार पहन के चेंज होती है। तीन तोलिए होते हैं सबके, तीन भी नहीं चार तोलिए, फिर अंडरगारमेंट्स होते हैं, कैसे एक दिन भी ना धो ना कपड़े तो ढेर लग जाते बस। काम करना कितना औखा है लाइफ में, नहीं अभी तुम कर रहे हो। तो जिंदगी में काम करना ना बहुत औखा होता है, और ये प्रीति ने क्या गड़बड़ करी है और वहाँ पे मम्मी को घेर आई है। मेरी ये चप्पल थी जो मैं न्यू लेकर आई थी, वो हल्की सी ना, वो स्लिप स्लिप गया, वो पानी थी। जिसको तूने घेरना होता वो चप्पल दे देती है। ये क्या करके गई है, ये मम्मा के घर पहन के गई है, मैंने इसको बोला प्रिया मामी को फोन करके बोल दे तू वहाँ पे अपनी चप्पल छोड़ दे। सुनो मेरी भी सुनो, मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं नहीं बोल रही, आप बोल दो मैं जा रही हूँ, मेरे लिए आप से निकल गया, तो फिर मेरी गलती थी, हो गई घर में। उसके बाद पता क्या, मम्मी को पहले कॉल करा, मैंने मम्मा को कॉल करा, मैंने कहा मम्मा क्या कर रहे हो, कहती बरसात इतनी नीचे उतर नहीं पा रही, इतना पानी भरा हुआ है। तो कहती वो सीरत कह रही थी कि बाहर लेके चलो, कहती मैं इसको पार्किंग में लेके गई हूँ, एक गाड़ी गई है सारा पानी ऊपर उड़ा के गई है, वो पानी जैसे अंदर आया वहीं पे मेरा पैर स्लिप हो गया, चप्पल इतनी स्लिपरी थी, गाड़ी वाले ने उठाया। नूर ऐसी है, ये ऊपर बैठी हुई थी मम्मी के घर पे, नीचे आके हमें भी नहीं बताया, हमें तो मम्मी का फोन आया है कि वो गिर गई है। अब क्या करे बताओ, ये बच्चे को बताना चाहिए, ऊपर बैठ के भी नहीं बताया, और प्रीति ने फोन किया तब भी नहीं बताया, जबकि रात को ये वहाँ रहने गई हुई थी। कुछ नहीं, मम्मी कहती सीरत तो अपने आप गिरी और उठ भी गई है, कि मेरा मेरा मोटा मास तो मुझे लगी नहीं है, मैं बच गई मोटे मास की वजह से। मैंने कहा मम्मी ऐसे मतलब मोटे मास का फायदा होता है, तो तेरा फायदा है, अगर तू गिरेगी तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। नानी कहती मैं खुद ही उठ गई बेटा, अगर तेरे को कोई अगर तू अगर ऐसे गिरी होगी ना ऐसे ऐसे बेंड होके तो सीरत खुद उठ गई। अभी मैं आप सबको मोटे मास का या मोटे होने का फायदा भी बताऊंगा, एक बार कूदो तो क्या होता है ये दिखाते हैं मैं और प्रनूर चल के। इसी का हाल, प्रीति इस पे बैठी थी,
नीचे से दिखाता हूँ कुर्सी, पूरी कुर्सी तोड़ दी। हाँ अब टिप्पणी दे प्रीति, ऐसा है मेरे को कुर्सियां बनवा दो और एक मुझे मतलब इसको इसको कुर्सियां बनवा के देता जाऊं और ये बैठ बैठ के तोड़ती जाएगी। और ये वंडर शेफ की होती है ना, वंडर शेफ की मुझे मिक्सी चाहिए। अच्छा वंडर शेफ की मिक्सी चाहिए, टीम ऑर्डन की कॉफी चाहिए और अपोलो के मैट्रेस चाहिए, मतलब हर चीज तुझे उसमें कुछ चाहिए। गुच्ची का डाइनिंग टेबल आया मुझे तोड़ दिया, फायदा क्या, बैठ के खुद ही तोड़ देती है, अपना वजन कम कर थोड़ा। उसको बुलाओ ना घर पे आके, चेयर बना के जाएगा ये बरसातों के बाद। हाँ बना के जाएगा। और कपड़ा इसमें लगाऊंगी डार्क कलर का। एक चीज मैं आपसे और शेयर करता हूँ, तो प्रीति ने मुझे बोला कि शेयर कर दो, मैं कहा मैं कर देता हूँ, कुछ आके प्रीति भी टिप्पणी देगी। कह रही है बहुत लोग ना कमेंट कर रहे हैं, बहुत लोग नहीं एक दो लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम घर की वीडियोस देख के बोर हो गए हैं, ये हो गया वो गया, रोज एक टॉपिक यही चीज। भाई हमारा जो चैनल है इसमें सिर्फ फैमिली कंटेंट ही आता है, हम लोग कोई टूरिंग वाले कंटेंट नहीं डालते, हम सिर्फ फैमिली वाले कंटेंट हैं। हम जहाँ जाते हैं वो वाले कंटेंट डालते हैं, या जो हमारी डेली रूटीन है हम सिर्फ अपनी डेली रूटीन दिखा रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे से उसको देख भी रहे हैं, कुछ लोग हैं जो एक दो लोग वो नहीं देख रहे हैं, कोई बात नहीं है, अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो कोई बात नहीं है, हम तो ऐसी ही बनाएंगे और ऐसी ही बनाते रहेंगे। आप लोगों का प्यार हमें बहुत मिल रहा है और मिलता रहेगा हमें मालूम है। बाकी प्रीति कुछ बोलना चाहती? नहीं मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं यही कह रही हूँ लोग कैसे कैसे कमेंट्स करते हैं, इतने नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, कई बार हमें मेरे को चाहते हुए भी हमें कमेंट डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि ना उसका सर होता है ना उसका कोई पैर होता है, ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे आज तक समझ नहीं आई। अगर आपको वीडियोस अच्छी नहीं लगती तो आप मत देखो। तो हमारी तो इसी तरीके से कॉमेडी भी जारी रहेगी, सेक्टर 23 भी जारी रहेगा, फैमिली की नोकझोंक भी जारी रहेगी, हंसी मजाक करते रहेंगे, हम मजाक वाले बंदे हैं, हम फ्री बंदे हैं, मजाक ही करते रहेंगे, बस आप लोग एंजॉय करते रहो, बाहर गड्ढे भी होते रहेंगे, बस आप इसी को एंजॉय करते रहो, हम करवाते रहेंगे, बस मजे करते रहो। तो अभी बस रोटी खाने का टाइम हो रहा है, दोपहर की रोटी खाएंगे। तो बारिश थोड़ी सी बंद हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ दिल्ली चला जाऊँ गुरुद्वारा बंगला साहिब से, मेरे को दाढ़ी के लिए टाफ्ट लेके आना है और शेंकी के लिए भी टाफ्ट लेके आना है, तो ताकि उसने फिर से टूर पे जाना है तो उसके लिए भी दो टाफ्ट लेके आने और अपने लिए एक लेके आना है, तो वो लेके आते हैं। और डैडी को भी मैं सोच रहा हूँ पिकअप करके ले आऊँगा। तो बस यही है, मजे करते हैं और चलते हैं। तो मस्त से कड़ी चावल आ गए हैं रोटी में, है नहीं मिर्च का अचार नहीं लेना, नमक कम लग रहा है, नमक कम नहीं होगा, कड़ी डालो ना। तो भाई जाने का तो पूरा मूड बना लिया था, पर ये बारिश जो है ना मुझे जाने ही नहीं दे रही, ये कह रही है मैं आज कहीं नहीं जाने दूंगी, घर पे रहना पड़ेगा। तो सारे के सारे प्रोग्राम कैंसिल दिल्ली के, मैं तो नहीं जाता भाई, मुझे नहीं जाना, और कल देखेंगे। अभी तो हमारे पास स्प्रे है, दाढ़ी वगैरह फर्स्ट क्लास सेट हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो कल देखेंगे। आज छुट्टी भैया, आज घर पे एंजॉय करो, तो जल्दी से अंदर चलो, अंदर बैठते हैं मस्ती से। अब कीरत करके दिखाएगा पुशअप, पहले प्रणोर कर रही थी, अब कीरत कर रहा है, कीरत बहुत अच्छी कर रही है, देख वाकई में अच्छी कर रही है। अब देखो हाफ कर, कितने बॉडी बनाएगा कीरत, मस्त मैंने भी मानी है, पार बहुत तेज बारिश है और मैं जा रहा था 23 सेक्टर अपनी मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो मैंने कहा मैं मेडिसिन लेके आता हूँ। और प्रीति के कान पे आवाज गई 23 सेक्टर की, तो फटाफट तैयार होके आ गई, कह रही मैं भी चलूंगी। घूर क्या रही है तू, तैयार नहीं? मैंने बोला चली जाएगी, तो भैया रुस के भाग गई थी, मना के लेके आया हूँ दोबारा से। गलत बात बोल रहे हो ना, इसलिए अच्छा मैंने नहीं बोला जाने के लिए, तुमने कहा चल। छतरी पकड़, जैसे महाराजा की पकड़ते थे, मैं महाराजा हूँ, तू छतरी पकड़ के पकड़ ले अपने सर पे महाराजा, ये ले चल, ये ले चल। अच्छा छतरी मेरे सिर पे करना क्यों तू? अच्छा मैं समझ गया, ये क्यों चाह रही है इसके सिर पे, ये अपने सिर पे इसके कर रही है कि पानी पड़ेगा मेकअप उतर जाएगा। कह रही मेकअप नहीं किया, प्रीति मेरे साथ है रोमांटिक माहौल में, हम सड़क के ऊपर, पानी के ऊपर, सड़कों में पानी जमा हुआ है और हम एक रील बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर मोनू पानी के अंदर लेटेंगे। और आपको भी एक चीज दिखाता हूँ, ये क्या हुआ मोनू, ये गड्ढा देख रहे हो, गड्ढा आप लोगों ने ये गड्ढा देखा, एक्चुअली बारिश हो रही थी तो प्रीति कूदी, तो कूदने से ये गड्ढा ऐसे, पहले सोच लो मैं कूदी थी या बैठी थी, क्योंकि कल तुमने कहा था ये बैठी थी, कूदी थी। अरे छतरी क्यों, कोई इसने छतरी को कैसे किया हुआ सिर पे, ये देखो इसने छतरी को कैसे किया हुआ सिर पे, छतरी को सभी ऐसे करते, इसने क्या, पहली बार बरसी बरसात ऐसी।
बारिश के नजारे। तो हमारे दिल्ली गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर कह लो, सब ये लोग परेशान हो गए इतनी सी बारिश से 3 दिन के अंदर। तो ये लोग तो दुआएं मांग रहे होंगे कि बारिश बंद हो, बारिश मत हो, बारिश मत हो, ये चीज ही कर रहे होंगे, क्या बोलती है? बिल्कुल। और जो पहाड़ वाले हैं वो बारिश को एंजॉय करते हैं, और हम लोग भी यहाँ से पहाड़ में बारिश एंजॉय करने जाते हैं, मौसम एंजॉय करने जाते हैं। वो लोग आदी होते हैं, हम लोग आदी नहीं है। तो हम लोग दिल्ली से वहाँ जाते हैं, अब जब दिल्ली में ऐसा मौसम मिल रहा है तो क्यों नहीं एंजॉय कर रहे, करना चाहिए। बारिश होती है हम कमरों भाई, कोई कर रहा है या नहीं कर रहा, पर हम लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो कर रहा हूँ, बच्चे 3 दिन से घर में बैठा दिए, मजा आ रहा है। बट तो बच्चे तो वैसे ही बैठे थे, सैटरडे संडे कौन सा स्कूल होता है, आगे मंडे का भी कंफर्म नहीं है ना कि स्कूल खुलेगा नहीं खुलेगा। हाँ, अगर बारिश इसी तरह रही तो खुलना भी नहीं चाहिए, अगर खुलेगा भी तो हम नहीं भेजेंगे। यहाँ बारिश में ना किसी को उम्मीद नहीं लग रही, कोई बाजार लगा होगा या कुछ होगा। ये मैडम जी पूछ रही है, ऑल्टरेशन वाला बैठा होगा, मतलब तू कैसे सोच लेती है, हाउ यू थिंक, पहली बात तो इतना अच्छा सोचती है ऐसे। तूने नहीं बोला, आप अपने आप से बोल के मेरे पे कैमरा ऑन कर देते हो। अच्छा, मैंने बोला ही नहीं। अगर मैं अपने आप से बोल रहा होता ना, तो कोई बैठा ही नहीं होगा। तेरी जो ये हंसी है ना, इस हंसी से सब पता लग जाता है कि तूने बोला है कि नहीं बोला, जल्दी बता। नहीं बोला, नहीं बोला। ये देख लो, इसने नहीं बोला, मतलब आप ये सोचो कि ये कितने हाई लेवल का सोचती है, जहाँ हम लोगों की सोच खत्म हो जाती है ना, वहाँ इसकी शुरू होती है ना। मैंने कब बोला है, अपने आप ही बोल के कैमरा ऑन कर देते हो। तो यार अभी अभी गाड़ी चलाते हुए फिर हमें याद आ गई, हम मामा जी के घर के आगे से निकले, जो नया घर बना है वो दिखाना है। तो एक सब्सक्राइबर ने कमेंट भी दिया कि यार मामा जी का घर तो दिखा दो या देख लो जाके। तो अब हम पहले मामा जी का घर देखेंगे फिर दवाई खाएंगे। तो ये है लेफ्ट साइड में 23 सेक्टर का रास्ता और राइट साइड में मामा जी के घर का रास्ता। तो हम पहले राइट मुड़ेंगे, मामा जी का घर देखेंगे। क्यों प्रीति? मामा जी आज फाइनली आप अमेरिका में बैठ के अपना घर देख लो, हम आपके घर की तरफ आ गए हैं। और पहले आज आपका अंडर कंस्ट्रक्शन वाला घर दिखाएंगे और उसके बाद फिर हम 23 सेक्टर आएंगे। तो ये आ गए हम मामा जी के घर पे और ये पूरा रेडी हो गया है। रेडी होने के बाद हम लोग यहाँ पे मामा जी को शिफ्ट देखेंगे। तो ये मामा जी का घर बन रहा है जी, अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी 3rd फ्लोर का लेंटर डलने वाला है। मामा जी देख लो, खुश हो जाओ आप भी। अब देख लिया हमने मामा जी का घर और अब जा रहे हैं सीधा 23 सेक्टर। मुझे कोई काम नहीं, अगर प्रीति को होगा तो होगा, मैंने सिर्फ अपना जो काम है दवाई लेनी है। एक और दवाई की थोड़ी अर्जेंसी थी इस करके मैं आया हूँ, अदरवाइज मैं तो इस बारिश में निकलता भी ना किसी भी कीमत में। लेकिन ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन भी डिले चल रही है, बहुत धीरे आ रही है और मुझे अर्जेंट चाहिए, मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ रही थी, तो इस करके मैंने कहा कि मैं खुद ही जाके ले आता हूँ। इस सेक्टर में भी खूब रश है, खूब रश। प्रीति तो जाके दवाई तू ले आया जल्दी फटाफट, मैं यहीं पे बैठा हूँ। मैंने उसको फोन कर दिया था, मैंने कहा बारिश हो रही है गाड़ी में, जब तू उतर रही है तो तू ही ले आ। एक्चुअली प्रीति को ना वो जाना था अपने मार्केट का मुआवजा भी तो करना है, का मुआवजा भी तो करना है ना। क्या क्या मुआवजा? नहीं मुआवजा, ये मुआवजा लेगी मार्केट से, मुआवजा नहीं मुआयना होता है, मुआयना मुआवजा लेगी भाई, मार्केट का मुआवजा मिलता है इसको। नहीं रुको ना, क्या रुको, मैं डिलीट नहीं करने वाला, तो सोचो मैं डिलीट कर दूंगा। मुआयना मुआयना पूरी मार्केट को आई, अब देखेगी अच्छे से, देख के फिर जाएगी। जल्दी जा, मुआयना करने जा रही हूँ मार्केट का। और मेरी दवाई लिया, वैसे तो मैंने मेडिसिन वाले भैया को कॉल कर दिया था कि मुझे गाड़ी में दे दो, कहती नहीं मैं ही जाऊंगी और लेके आऊंगी, तो जा जल्दी से लेके आ फटाफट, ठीक है ना। आ रही हूं। तो दवाई तो मुझे वो आके गाड़ी में ही दे गए, तो मैंने भैया को बोल दिया कि वो भाभी वहाँ ही गई है, आपको आके पैसे वहीं पे दे देगी, तो दवाई तो अपनी आ गई है। तो हमारी प्रीति जी बारिश एकदम इतनी तेज हो गई है, वो देखिए वो आ रही है, कह रही है मैं कैसे आऊँ, मुझे फोन कर रही है कि मैं कैसे आऊँ, और यहाँ छाता यहाँ छोड़ गई जो लेके आई है। अभी आती है तो इससे पूछते हैं क्या मजा आया छाता छोड़ने के लिए। हाँ जी मुआयना कर रहा है बाजार का, हमारे लिए छाता ले लेके चल रही हूँ, मेरे लिए दरवाजा भी नहीं खोल सकते तुम। तो छाता लेके क्यों नहीं गई है? अरे यार यही गलती हो जाती है, मैं जब जब लेके नहीं जाती ना तब बिकती आती हूँ। तो बिकती क्या आती हूँ? तो दवाई तो मैं ले ही आया था, वो अपने आप दे गया था यहाँ पे। तुम्हारी ईबस की भी लाई हूँ ना मैं। अच्छा मजा आया फिर? मैं जब जब छाता छोड़ के जाती हूँ ना कि चल अभी बारिश नहीं आ रही हो आऊंगी, तब तभी मेरे साथ ये चीज होती है। उस दिन स्कूल में भी ऐसी हुआ मेरे साथ। डरो मत आप लोग, डरो मत आप लोग, ये प्रीति ही है, कोई बात नहीं। मेकअप उतर गया तो खुद देख रही है, देखो शीशे में अपने आप, इसको अपने आप में विश्वास नहीं है। मैंने मेकअप ही नहीं करा तो फिर शीशे में देखा, देखो अपने आप में विश्वास नहीं है। नहीं तुमने कहा डरो मत, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। प्रीति एक काम और कर दे, नहीं मैं नहीं जाऊंगी बारिश में, प्लीज नहीं मानूंगी। छाता लेके जा और वहाँ से मशहूर बेसन के लड्डू लेके आ, पैक करा के चले जा यार। मीठा नहीं खा रहा, मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं, मेरे लिए अच्छा है। नहीं नहीं अभी चलो।
और आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ, जैसे ही मैंने फोटोज क्लिक करके मामे को अमेरिका में भेजी, अभी टाइम यहाँ 5:10 हो रहे हैं शाम के, और मामा जी का फोन आ गया, भाई मकान भी हो आया? मैं कहा हाँ जी हो आया। कह रहे थैंक यू वेरी मच यार तू हो आया। मैं कहा आप वीडियो पे भी देख लेना, हमने मकान डाल दिया। भाई ये देखो छाता लेके गई है, छाता कैसे पकड़ के ला रही है, स्टाइल देखो, बारिश में भीगती आ रही है। वाह भाई वाह, प्रीति दांत देते हम तेरी। मैं ना अभी एक वीडियो बनाने जा रही हूँ, इनको नहीं पता। ये देखो दूसरों का जो मजाक बनाता है ना, ये देखो ये फोन पे बात करते जा रहे हैं राजा बाबूजी, और देखो अकेले में छतरी लेके, ये देखो बड़ी कॉन्फ्रेंस टॉक्स चल रही है इनकी। देख लिया इन्होंने मुझे, ये देख अब आएंगे, ये देखो ये तमीज है। ये कौन सी तमीज है, उसको उठाओ पहले, सब देख रहे हैं तुम्हें, उसको उठाओ, बोलो गलत बात है यार ये। ये उसको सही से रखो। तो अभी मेरी स्कूटी टूट चुकी है ना, पापा कह रहे हैं ना कल तेरी स्कूटी ठीक करवा लूंगा, और इसीलिए वो यही पेन करते हैं। होप करते हैं आपको अच्छी लगी, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना, बाय लिख कर दबा देना, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मारना मैं ऐसे पेन करके अपने तकलीफ मार लूंगा। Bye 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 bye